लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मानसून से पहले तूफान का कहर, मुंबई में दो बच्चों सहित तीन की मौत। जलब्राव और ट्रैफिक जाम वायरल शूटर तेजी से उभरता हुआ एक आदर्श न्यूज चैनल है। आपके सहयोग की हमें अपेक्षा है, अतः कृपया ताजे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। मुंबई, शनिवार शाम मुंबई में मानसून पूर्व बारिश के चलते करंट लगने से दो बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश ने शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव और यातायात जाम का कारण बना दिया। शाम के घूमने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हुई। दोपहर के बाद घने बादलों के बाद तून, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी के कई क्षेत्रों में तूफान और तेज हवाएं भी आईं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन, आगमन, प्रस्थान और कई घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और कार्गो उड़ानों के विचलन में देरी हुई। जेट एयरवेज ने घोषणा की कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बाद हवाई यातायात की भीड़ के चलते शनिवार को 11:30 बजे तक प्रस्थान और आगमन में 45 मिनट तक की देरी की उम्मीद रहेगी। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र मुंबई के प्रभारी निदेशक विश्वंबर सिंह ने कहा कि मानसून पूर्व बारिश ने शहर और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित किया। मानसून अभी तक राज्य में नहीं पहुंच रहा है। मुंबई और ठाणे समेत पूरे महाराष्ट्र में पूर्व मानसून गतिविधियों को देखी गई है। नगर पालिका के आपदा नियंत्रण कक्ष के एक बयान में 9 वर्षीय सारा खान और 10 वर्षीय ओमकर फतेत्र और 32 वर्षीय अनिल यादव के रूप में मारे गए लोगों की पहचान की गई। भंडू पश्चिम के खंदिकदा इलाके में 8:30 बजे सड़क पर चलते समय यादव और खान की बिजली के तार के संपर्क में आने के बाद मृत्यु हो गई। भंडूप रेलवे स्टेशन के पास शिवकृत नगर इलाके में बिजली के झटके से ओमकर फतारियर की मौत हो गई। उसका दोस्त भी गंभीर रूप